अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्रीहास कुजी। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत मज़े के नाश्ता जो कि सबका फेवरेट है, ऑमलेट्स। इसको आप ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं और पराठों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे, और 4 की बजाय आप 5 भी ले सकते हैं अगर आपके अंडे छोटे हैं। 5 में भी यही सब कुछ डलेगा। और साथ में मैं ले रही हूँ इसमें डालने के लिए 1/2 छोटी प्याज, 1 छोटा टमाटर और 1 अदद हरी मिर्च। इन सब चीज़ों को आपने बारीक बारीक फाइनली चॉप कर लेना है। और नमक मिर्च जो डलेगी वो है 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून मिर्च सुर्ख, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और 1/2 टीस्पून से कुछ कम हल्दी। और इस ऑमलेट में जो हम ख़ास चीज़ें डाल रहे हैं वो है दूध। दूध हम लेंगे 4 टेबल स्पून। अगर आप मलाई डालें तो आप वो 4 टीस्पून के हिसाब से डालेंगे। मैंने क्योंकि मलाई नहीं ली, दूध लिया है, तो मैं दूध डालूँगी 4 टेबल स्पून के हिसाब से। तो हमें क्या करना है देखें, सबसे पहले एक बॉल लेंगे, और ये बॉल जो है इसके अंदर आप ये चारों अंडे इनको तोड़ लेंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले ये मसाले, ये डाल के इनको अच्छी तरह फॉर्क के साथ हम फेंटेंगे। और फिर हम क्या करेंगे कि जो फाइनली चॉप आप जब ये तमाम वेजिटेबल्स कर लेंगे वो इसके अंदर मिलाएंगे, और आखिर में डालेंगे दूध के 4 चम्मच। मैंने बैटर इसका बना लिया है तमाम चीज़ें डाल के, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। और तवे को हम रखेंगे हल्की मीडियम आंच पर, अच्छी तरह गर्म करने के बाद आंच उसकी हल्की कर देंगे, और फिर उसके ऊपर अपने ऑमलेट फ्राई करेंगे। तो चलें इसको फ्राई करते हैं। तवा मेरा बहुत अच्छा गर्म हो गया है, और इसमें मैंने अब डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून घी ले लें या ऑयल ले लें, मैं घी ले रही हूँ। मैंने घी के 2 टेबल स्पून इस पर डाले, और इस पर अब हम ये अपना मैदा डालेंगे। आमलेट आपने बहुत बड़े बड़े साइज़ के नहीं बनाने, क्योंकि इसमें जो सब्ज़ी डली हुई है ये है, जब आप आमलेट को पलटेंगे तो ये आमलेट आपका फट जाएगा अगर आपने ज़्यादा क्वान्टिटी ली। लिहाजा आप छोटे साइज़ में जो है कोशिश करें ऑमलेट बनाएँ, वो ज़्यादा अच्छे और ख़ूबसूरत बनेंगे, नीट बनेंगे। घी हमारा गर्म हो गया, आग हम थोड़ी सी कम कर देंगे और अपना मटेरियल डालेंगे। बस इतना सा आप डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ये आपको आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कि घी अच्छा गर्म हुआ है और तवा भी हमारा गर्म है। इसको आपने छेड़ना नहीं है, इसको आराम से होने देना है कि ये तकरीबन जो है बिल्कुल बीच में से रह जाएगा और साइडों से टोटल कुक हो जाएगा। आंच हम हल्की कर देंगे। अगर आप इसकी आंच हल्की नहीं करेंगे, तेज़ रहने देंगे, तो क्या होगा कि जल जाएगा ये और इसमें कड़वाहट आ जाएगी अंडे में। इसलिए आपने इसको आराम से बनाना है और आंच हल्की पे बनाना है, ताकि ये जले ना और ना ही ओवर कुक हो। देखें साइडों से आपको नजर आ रहा है कुक हो गया, बीच में से थोड़ा थोड़ा रह गया। ये देखें, इसी तरह से जो है मैं चारों अंडे जो हैं अपने बना लूंगी। ये देखें ये ऑमलेट हमारा रेडी है, इसे निकाल लेंगे। नज़र आ रहा होगा कितना अच्छा बना है, बिल्कुल भी ये ओवर कुक नहीं हुआ और ना ही ये बहुत ब्राउन डार्क ब्राउन या ब्लैक हुआ है। ये देखें हमारे ऑमलेट्स रेडी हैं। 3 ऑमलेट्स मैंने डिश में रखे हैं, 1 प्लेट में निकाला है, और साथ में मैं रख रही हूँ नाश्ते में स्लाइस। स्लाइस आप ओपन भी रख सकते हैं और चाहें तो बंद बर्तन में भी किसी में ऐसे रख सकते हैं। और साथ में मैं सर्व करूंगी इसको मक्खन के साथ और जैम के साथ।
ये मैंने लिया है ऑरेंज मार्मलेड जैम, और केचप भी आप रख सकते हैं, कोई केचप अगर लाइक करते हैं तो। ये हमारा नाश्ता रेडी है, आप ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरी रेसिपी के मुताबिक। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक का बटन दबाएं, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।